हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे यार। और यहाँ पे अपना टिरू फिर से मेरे पीछे बिछार लगा हुआ है और हमने अपनी जो कल्लू है, कल्लू को और उसको गाय को पांडू को निकाल दिया बाहर। आज यहाँ पे एकदम सूखा सूखा है, ये आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। आज टिरू ने फिर से खाना नहीं खाया है। टिरू टिरू क्या बात होगी, क्या बात होगी टिरू, गुस्सा है क्या है टिरू? टिरू की तबीयत खराब होगी, क्योंकि टिरू जब टिरू की तबीयत खराब होती है ना, तभी खाना नहीं खाता ये, फिर ये घास खाता है ना। और ये अपना पांडू भी रोटी नहीं खाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, ये रोटी नहीं खाता है। इसको कल मम्मी रोटी खिला रही थी, हैं क्यों नहीं खाई रोटी, बोल बोल पांडू क्यों नहीं खाई है पांडू? तो मेरे कुछ जो अपने यार दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, वो मजाक उड़ाते हैं कि मतलब क्या कर रहा है ये, ऐसे मतलब फ़ोन लेके हूँ फालतू का, जो मतलब टाइम पास कर रहा है। बट उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, बट फिर भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब डीमोटिवेट करते हैं यार। एक दिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा ना, उस दिन वो लोग खुद जो है आके मुझसे मिलेंगे, जो मजाक उड़ाते थे वो आके खुद से जो है मेरे से मिलेंगे और सेल्फी लेंगे यार। मतलब वो दिन देखने लायक होगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे, और जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं यार, प्लीज़ यार अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे को सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और अगर अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस आप लोग रोज़ देखिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती हैं। इनको खाना दिया था मैंने अभी, तो इसने गाय ने तो खा लिया था, लेकिन भैंस ने नहीं खाया था। माई आ रही डंडा लेके ना, तब डर के खड़ी हो गई वो, खाने लगी, नहीं तो अभी तक वो बैठी हुई थी इतनी देर से। इसके सर पे मक्खी काट रही है भैंस की, बड़ी वाली मक्खी। आज तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हवा बहुत ही कम चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। भाई जब अपना स्ट्रगल टाइम होता है तब उस टाइम पे अपने को कोई नहीं पूछता है, मतलब कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपको सपोर्ट की ज़रूरत है क्या कैसे है। बट जब आप कुछ बन जाओगे, आप कुछ अचीव कर लोगे, उस टाइम पे जो है फिर बहुत सारे लोग आएंगे कि हम भी हैं यार, हम भी आपका सपोर्टर हैं। सो गाइस, जो जो नए व्यूवर्स हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग प्लीज़ किसी का मजाक ना उड़ाया करो। मेरा तो चलो ठीक है उड़ाते हैं, बट आप लोग किसी का मजाक ना उड़ाया करो। अगला बंदा कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, कहाँ से कंटेंट लेके आता है। ऐसे आप लोग जिसने कभी नहीं किया, वो इस तरह कैमरा पकड़ के खुद से मतलब कैमरे से बात कर सकता है क्या? करके देखना एक दिन, तो पता चलेगा आप लोगों को कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कितना टफ होता है जो ब्लॉगिंग करता है या जो भी वीडियो शूट करता है। और ये अपने बुलबुल के बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। आज तो मतलब कल मैंने नहीं दिखाया था, आज दिखा रहा हूँ। मतलब देखो यार कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये, अभी ऊपर घोंसले से बाहर निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज वही चीज़ दिखाता हूँ, वही बुलबुल के बच्चे, तो मैं यार ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यार देखो मतलब डेली मतलब क्या प्रोग्रेस है, कि कैसे बड़े हो रहे हैं, वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो 3-4 दिनों से मैं सोच रहा था कि जाऊँ खाद लेके आऊँ, मैं कल भी गया था खाद लाने, बट हुआ क्या ऐसा कि मैं जब गया था तो उस टाइम पे जो है वो जो सरकारी दुकान थी वो बंद हो चुकी थी, तो मैं कल भी वापस आ गया, लेकिन पापा आज लेकर आए हैं। और अपना टिरू फिर से इधर मेरे पास आ गया है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे लगा रहता है। टिरू टिरू बोल, पीछे पीछे आएगा है, कुछ बोलना चाहता है क्या, बोल। सो गाइज, हो रही है शाम और वीडियो को यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।